पीतल बस्ती पानी की टंकी के पास अश्वनी उर्फ नानू यादव के निवास स्थान पर समाजवादी पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में नानू यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा नानू यादव को पार्टी का महानगर मुरादाबाद का सचिव नामित किया गया। पार्टी में नानू यादव से यह उम्मीद रखी गई कि नानू यादव समाजवादी पार्टी के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे। नानू यादव ने यह कहा कि मैं वादा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मैं गरीबों की सहायता करूँगा। जो काम अभी तक नहीं हुआ मैं उस काम के लिए पार्टी द्वारा गरीबों के लिए काम करता रहूंगा। बैठक में काफी संख्या में भीड़ देखी गई और नानू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए शुभकामनाएं दी। आपको जो पार्टी में पद मिला गया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यही पहली बात, मेरा नाम नानू यादव, मैं महानगर सचिव बना हूँ समाजवादी पार्टी से। मैं यही कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे और अपने क्षेत्र की जो भी परेशानी है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और युवाओं को देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रही है और इसको जो भी नीतियां हैं समाजवादी पार्टी की उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। और अपनी पार्टी के लिए हर समय हर टाइम मैं खड़ा रहूंगा और अपने देश के लिए हर समय मैं आगे खड़ा रहूंगा और अपने क्षेत्र की जो भी परेशानियां हैं उसको आगे ठीक करने का काम करेंगे। और अखिलेश यादव जी तक जो भी आगे जाके परेशानी अपने क्षेत्र की है उसको दिखाएंगे और बताएंगे। और युवाओं को यही है, अखिलेश यादव जी का नारा है, नई जनरेशन को आगे ले जा रहे हैं अखिलेश यादव, नई हवा है, नई सपा है, युवा का हाथ, बड़ों का हाथ, यही है ना, तो यही आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं समाजवादी पार्टी के पद अधिकारी बनाया गया हूँ महानगर सचिव, उस पर काम अच्छी तरीके से और मन लगा के मेहनत से काम किया जाएगा और उसको आगे ले जाने का काम किया जाएगा, युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। क्या उम्मीद रखी है आपसे जी? क्या उम्मीद रखी आती है आपसे पार्टी के लिए? उम्मीद तो देखिए, मैं हर समय अपनी पार्टी के लिए खड़ा रहूंगा और आगे जो भी कार्य करती है समाजवादी पार्टी उसमें आगे रहेंगे और मेहनत से और संघर्ष से आगे बढ़ने का काम करेंगे।